सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल पर। तो दोस्तों आज हम आए हैं एक नए दुकान बनाने के लिए। तो दुकान का रेट जो है बोलता है वो सब बनाएंगे हम आज। तो चलिए आपको दोस्तों जैसे देख पा रहे हैं, देखिए ये दुकान का आगे साइड का, अभी हमने आगे का दुकान का झाप जो है उसको बंद करके रखा हुआ है, क्योंकि बाहर में बहुत सारा लोग है, इसके वजह से हम झाप को बंद करके रख दिया है। और ये देखिए प्लाई हमने जो है यहाँ पर लेके रखा हुआ है, और यहाँ पर जो है हम इसका रैक बनाने वाले हैं। ये देखिए ये दो साइड में रैक बनाएंगे। तो चलिए हम इसी प्लाई बोर्ड से जो है रैक बनाएंगे। तो आप लोग भी देखिए मैं बनाता कैसे हूँ उसका रैक जो है प्लाई का। तो दोस्तों ये देखिए हमने प्लाई को जो है कटिंग कर रहा हूँ कुछ इस तरह से, ये कटर मशीन की मदद से। और ये प्लाई का हमने चौड़ाई जो है 12 इंच कर लिया है। तो 12 इंच का हम रैक का साइज बनाने वाले हैं। और ये प्लाई 8x4 इंच का, 8x4 फीट का है। तो इसमें से हमें कटिंग करेंगे तो 4 पीस निकल जाएगा प्लाई। और हम जो इस रेक को 8x8 का बनाने वाले हैं, 8 फीट ऊंचाई और 8 फीट चौड़ाई दोनों बराबर। और इसके तो देखिए दोस्तों हमने कुछ इस तरह से कटिंग कर दी है 2 पीस। तो अभी और भी बहुत सारे कटिंग करना बाकी है, तो चलिए फटाफट से जो है कटिंग कर लेते हैं। तो गाइस हमने कटिंग करके जो है रेडी कर लिया प्लाई, ये देखिए कुछ इस तरह से। तो हमने 12 पीस प्लाई जो है कटिंग करके रेडी कर लिया है। अभी तो चलिए फटाफट से इसको दाग जो है लगाकर फिटिंग करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने ये प्लाई जो कटिंग करके रखा हुआ था, हमने उसमें से 2 पीस ले लिया है। तो इसमें से हम दागी लगा रहे हैं। तो दोस्तों हम ये प्लाई का जो पार्टीशन जो लगाने वाले हैं वो हम एक एक फुट में बनाने वाले हैं, एक फुट करके। और इसके 1 फुट और इस तरफ जो हम 2 फुट करके 1x2 फुट का इसे बनाने वाला है। तो स्क्वायर 1x2 का। तो इसके इसी तरह से हम जो सारे दाग जो है वो लगा कर कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद जो है इसको फटाफट से जो है फिटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों बने रहना वीडियो के एंड तक। और दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप लोगों को मिलते रहे। क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे ही फर्नीचर की वीडियो लाता रहता हूँ। तो बने रहना वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए हमने रैक को जो है इतना सा बनाकर कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए हमने यहाँ पर 1x2 फीट का स्क्वायर पार्टीशन गैप बनाकर लगा दिया है। और भी यहाँ पर देखिए नीचे तरफ भी अभी और लगाना बाकी है, ये देखिए। तो दोस्तों चलिए अब बिना देरी के जो है फटाफट से इसका नीचे वाला जो पार्टीशन वो भी सारे लगाकर करते हैं कम्प्लीट। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने रैक को जो है पूरी तरह से बनाकर कर दिया है कंप्लीट। और दोस्तों इस रैक को जो यहाँ पर रखने वाले हैं, तो चलिए अभी इसको रैक को जो यहाँ पर खड़ा करके रख देते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने रैक को जो ये यहाँ पर खड़ा करके रख दिया है कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों इस रैक का साइज़ जो है 8x8 फीट का। इसके खड़ा भी 8 फीट है, इसके चौड़ाई भी 8 फीट का है। और इसके हमने ये रैक का जो चौड़ाई अंदर का चौड़ाई जो है वो हमने 1 फीट का बनाया है। और दोस्तों ये देखिए प्लाई यहाँ पर और भी है, इसको कटिंग करके जो है इस तरफ यहाँ पर एक रैक बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही रैक बनाने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, देखिए हमने रैक को जो है फिटिंग कर रहा कुछ इस तरीके से। तो ये वाला तो हमारा फिटिंग हो गया है कम्प्लीट, इसका काम हो गया है कम्प्लीटली। अभी इसको जो है फिटिंग कर रहा कुछ इस तरीके से। तो चलिए आप लोग देखिए कैसे हम इसको फिटिंग करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने रैक का जो पार्टीशन लगाकर कुछ इस तरह से रख दिया है। और अभी इसके बीच बीच में भी और पार्टीशन लगाने का काम जो है वो बाकी है। तो चलिए बिना देरी के इसके पार्टीशन जो है वो भी फटाफट से लगा देते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए हमने रैक को जो है बनाकर यहाँ पर खड़ा करके रख दिया कुछ इस तरीके से। ये देखिए इस तरफ का जो पहले हमने बनाया था वो वाला रैक है ये। तो कुछ इस तरह से फिटिंग हो गया है हमारा रैक जो है। और इस तरफ का भी देखिए हमने
बना दिया है इस दरवाजे का जगह, थोड़ा सा वो छोड़ दिया है, पर दूसरा कुछ सामान रखने वाला जगह है, तो हमारा जो बनाने का था उसी तरह से हमको बनाने के लिए ऑर्डर दिया गया था, तो इसी तरह से हम बनाकर इसको जो है रख दिया है कुछ इस तरीका से। और दोस्तों ये देखिए हमने दुकान के आगे तरफ भी कुछ इस तरह से जो है पार्टीशन ऊपर में लगा दिया है, तो इसके ऊपर में जो है बड़े बड़े कार्टून का सामान वगैरह जो है वो रख सकेंगे ऊपर में। तो हमारा काम जो है आज का बस यहीं तक था। तो दोस्तों उम्मीद करता आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और दोस्तों चैनल में नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों मिलेंगे ऐसे ही वीडियो लेकर फिर से एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।